फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है अलार्म कैसे हटाएं, मतलब अलार्म डिलीट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये है सैमसंग का फ़ोन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ओपन करना है क्लॉक, फिर यहाँ पर आपको दिखता है अलार्म सेट। यहाँ पर आप किसी पर भी तो अलार्म पर जाएंगी, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। अगर फ्रेंड्स आपको अलार्म डिलीट नहीं करना है तो यहाँ पे आप इसको बंद करके रखना है तो बंद कर सकते हैं। यहाँ से आप बंद कर देंगे, इसको ऑफ करके रखेंगे तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अलार्म आर ऑफ, मतलब ये अलार्म ऑफ हो चुका है। और आपका आपको जिस दिन आपको बचाना हो उसको ऑन कर लीजिएगा, मंडे मंडे को इसको आप फिर ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से वापस। और डिलीट करने की बात तो यहाँ पर आपको उसको दबा के रखना है, मतलब जार जोर के नहीं, मतलब क्लिक करके रखना है। और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन आता है, डस्टबिन बनाता है, तो ये आपका डिलीट हो चुका है, देखते हैं डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अलार्म डिलीट करना आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।